स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू हाजिर हूं आपके लिए एक बहुत बढ़िया टॉपिक। और वो टॉपिक हमारा चल रहा है चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। और हमारे उस टॉपिक को जो आज पढ़ना है, उस टॉपिक का नाम है सेंस ऑर्गन यानी कि आई। आज हम आई के बारे में जानेंगे और ये समझेंगे कि क्या मैकेनिज्म होती है आई की और हमारे आई की एनाटॉमी क्या है। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है गाइस, याद रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपको कंटिन्यूअसली लेक्चर्स के वीडियो मिलते रहेंगे और हमारे कुछ आगे भी प्लान है जो आगे डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक आई। तो देखिए, सेंस ऑर्गन की बात करते हैं तो देख बेसिकली हमारे पास सेंस ऑर्गन देखिए कौन कौन से। देखिए, एक हमारे पास ईयर है, हमारे पास हमारी नोज है, सारे सेंस ऑर्गन है यानी कि हमारी ज्ञानेंद्रिय है, टंग, ये है हमारे चीक्स। स्किन की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे खूबसूरत सेंस ऑर्गन दिए हैं भगवान ने और हम उनमें से एक सेंस ऑर्गन उठाने जा रहे हैं आज, है वो है हमारा आई। तो आई एक तरीके का हमारा विजन के सेंसेशन को लेता है, विजन के स्टिमुलाई को लेता है। इसका फंक्शन है कैमरे की तरह चीजों को देखना और ब्रेन तक पहुंचाना। तो हमारी जो आईज है सिर्फ और सिर्फ उनका फंक्शन होता है विजुअल स्टिमुलाई को रिसीव करना। ये आपको बताती नहीं है कि ये दिख रहा है इससे। आई का केवल फंक्शन केवल एक कैमरे की तरह है, फोटो खींची या वीडियो कॉलिंग चल रही है, सीधे आपके ब्रेन को बताया जाएगा क्या होना है क्या नहीं होना है और आपके काम को किया जाएगा। तो हम उसी आई के बारे में चल रहे हैं पढ़ने। तो देखिए, सेंस ऑर्गन की बात करें तो दीज आर द ऑर्गन दैट डिटेक्ट द चेंजेस इन द एनवायरमेंट एंड कन्वे द इंफॉर्मेशन टू सीएनएस। चेंजेस इन द एनवायरमेंट यानी कि स्टिमुलाई, हम हमेशा इसको बोलते हैं स्टिमुलाई, चेंजेस इन द एनवायरमेंट। ये हमारे पास सेंस ऑर्गन है, आई है, स्किन है, ईयर है, नोज है, टंग है, बहुत सारे ऑर्गन है, चलो भाई, लेकिन हमें पढ़ना क्या है आई। तो चलिए आई की बात करते हैं। सबसे पहले आई की लोकेशन की बात करें, द टू आईज आर लोकेटेड इन द सॉकेट्स ऑफ द स्कल कॉल्ड ऑर्बिट। हमारी आंख में हमारा जो स्कल होता है, इस स्कल के अंदर जो कैविटी बनी है, इस खाली कैविटी को हम बोलते हैं ऑर्बिट। ये हमारी खाली कैविटी है, इसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। इस ऑर्बिट में हमारी बॉल हमारी आंख जाके फंसी हुई है। थ्री लेयर्स पाई जाती है और थ्री लेयर्स में आउटर मोस्ट लेयर स्क्लेरा, देन कोरोइड एंड देन रेटिना। हम एक एक लेयर के बारे में जानेंगे, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कहां पर, हम लोग चलते हैं रेटिना के स्क्लेरा के पास। आइए, स्क्लेरा जी पहली लेयर है हमारी स्क्लेरा, आप देखिए जरा। तो ये लेयर आपकी स्क्लेरा है, ये वाली जो मैं थोड़ा सा क्लिक करके दिखाता हूं आपको, ये लेयर आपकी स्क्लेरा है। ओके, क्या कहते हैं स्क्लेरा में, द एक्सटर्नल लेयर फॉर्मड ऑफ अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना है जिसको हम स्क्लेरा कह रहे हैं। ओके, एंटीरियर ट्रांसपेरेंट पोर्शन ऑफ स्क्लेरा इज कॉल्ड कॉर्निया। अब देखिए, जो एंटीरियर ट्रांसपेरेंट, देखिए स्क्लेरा पहली बात तो फाइबरस टिश्यू है और ये ओपेक होती है। इस साइड तक हमारी ये स्क्लेरा क्या है, ओपेक है, बैक साइड पे स्क्लेरा हमारी ओपेक है, क्लियर। थिक फाइबरस टिश्यू से बनी है, थिक फाइबर्स बनी भाई, तो ये क्या होगी, ओपेक होगी। लेकिन जैसे ही स्क्लेरा बाहर आती है, हमारी आईज की जो आउटर ग्रोथ है बाहर आती है, वो एक स्ट्रक्चर बनाती है, बोलते हैं कॉर्निया। तो आउटर मोस्ट जो पार्ट आया उसको हमने क्या बोला, कॉर्निया बोला। तो क्या है, देखिए एंटीरियर ट्रांसपेरेंट पोर्शन ऑफ स्क्लेरा इज कॉल्ड कॉर्निया, ये हमारी कॉर्निया हो गई। चलिए आगे चलते हैं, कॉर्निया देखें ध्यान से, तो देखिए ये कॉर्निया हमारी है, ट्रांसपेरेंट है, जो आपको दिख रहा है ना बाहर आंखों की तरफ, ये सब क्या है, कॉर्निया है। ओके, देन कोरोइड सेकेंड लेयर। अब देखिए, पहली लेयर तो हमारी हो गई स्क्लेरा, पहली लेयर हो गई स्क्लेरा, एंड अनदर लेयर देखिए दूसरी लेयर आ गई, वो साफ साफ डायग्राम दिख रहा है आपको, देख भी रहा डायग्राम में। सेकेंड लेयर आती है हमारी कोरोइड, आउटर मोस्ट लेयर स्क्लेरा, और स्क्लेरा कहाँ है, ओपेक है, लेकिन जब ये आईज के बाहर की साइड चलती है, जो बल्जिंग आउट थोड़ा सा है, तो वहां पर ये ट्रांसपेरेंट हो जाती थी और नाम क्या दे रही थी, कॉर्निया। अब हमारी दूसरी लेयर आती है कोरोइड, चलिए भाई कोरोइड के बारे में जाने, ब्लूइश मिडिल लेयर है, ब्लूइश है, थोड़ा ब्लूइश दिखाई पड़ती है आपको। Contains many blood vessels, बहुत सारी blood vessels पाई जाती हैं यहाँ पर, यानी जो हमारी पहली layer थी sclera, वहाँ पर blood vessels नहीं थी, लेकिन जो हमारी coroid layer है, यहाँ पर अच्छी खासी blood vessels पाई जाते हैं। It
is thin over posterior two-thirds of the eyeball, but is thick in the anterior part to form ciliary body. कह रहे हैं कि ये thin होती है. आप देखेंगे तो कोरोइड यहां तक thin थी, इस जगह तक कोरोइड हमारी thin थी, यहां कोरोइड thin layer है. लेकिन जैसे ही ये इस बाहर यानी कॉर्निया के साइड आती है तो ये क्या होती है, थोड़ी थिक हो जाती है. आप देख रहे हैं थिक लेयर हो गई ये डार्क लेयर. ये जो थिक हो गई इसी को हम बोलते हैं सीलरी बॉडी. यानी यहां पर एक चीज याद रखने वाली है कि जो कोरोइड लेयर है, ये कोरोइड लेयर से जुड़ी हुई स्ट्रक्चर क्या है. देखिए जैसे स्क्लेरा से जुड़ा हुआ कॉर्निया आपने बनाया है, ऐसे कोरोइड से क्या बन रहा है, सीलरी बॉडी. ये सीलरी बॉडी है. अब इस सीलरी बॉडी में अगर आप देखेंगे तो सीलरी बॉडी ने लेंस को पकड़ा हुआ है. देखिए लेंस पकड़े हुए सीलरी बॉडी में ही आप यही जो पार्ट देखते हैं, ये पार्ट, इसको हम कहते हैं आयरिस. इसको हम कहेंगे आयरिस. इस आयरिस में ब्लैक, ब्लू एंड ब्राउन, ब्लैक, ब्लू एंड ब्राउन, ये थ्री पिगमेंट्स पाए जाते हैं आयरिस में. इसी के कारण किसी की आंख ब्लैक दिखाई पड़ेगी, किसी की ब्लू दिखाई पड़ती है, और किसी क्या दिखाई पड़ती है, ब्राउन दिखाई पड़ती है. इसी के कारण, आयरिस के कारण. तो यहाँ पर याद रखना है कि जो सीलरी बॉडी है, सीलरी बॉडी का जो एपिकल पार्ट जाता है उसे हम आयरिस कहते हैं. और इस आयरिस में थ्री पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ब्लैक, ब्लू एंड ब्राउन. इन्हीं पिगमेंट्स में चेंजेस के कारण किसी की आगे ब्राउन है, किसी की ब्लू, ऐसे करते हैं. अब बात करते हैं कि हमारा आयरिस था. देखिए आयरिस के बाद बीच में गैप हो रहा है, देखिए गैप. तो इस गैप को आप बोलते हैं प्यूपल. ये गैप होता है, प्यूपल बोलते हैं इसको, जिसे हम आंखों का तारा कहते हैं या आंखों की पुतली कहते हैं. तो वो हमारा क्या है, प्यूपल है. ठीक है, तो ये आयरिस से जुड़ी हुई चीजें थी, आपकी इस कोरोइड से जुड़ी हुई चीजें थी. तो ब्लूइश मिडिल लेयर होती है, कंटेन्स मैनी ब्लड वेसल्स. It is thin over posterior tooth of the eyeball, but is thick in the anterior part to form ciliary body. ये आपकी ciliary body. Ciliary body continuous forward to form a visible pigmented and opaque portion called iris. जो मैंने आपको बताया, ये देखिए iris, आप देख रहे हैं कितनी सुंदर सी आंखें हैं. ये देखिए मैं सुंदर खराब कर रहा हूँ. ये देखिए iris आपको दिख रही है, ये वाली जो layer है, ये है आपकी iris. ये स्क्लेरा हो गई है ना, और ये जो अंदर आप होल देख रहे हैं प्यूपिल से बोलते हैं. तो यहाँ पर आपने आयरिस को देखा कैसे कलरफुल देता है, हमारी आयरिस को कलर पॉइंट कराता है. आयरिस हैज अ सेंट्रल ओपनिंग कॉल्ड प्यूपिल. आयरिस के पास एक सेंट्रल ओपनिंग होती है जो आप देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर का, इसे बोलते हैं क्या, प्यूपिल. द डायमीटर ऑफ प्यूपिल इज रेगुलेटेड बाय द मसल्स फाइबर ऑफ आयरिस. अब आपकी जो ये पीपल है, आयरिस में मसल्स पाई जाती है, उन मसल से रेगुलेट किया जाता है इसका डायमीटर. लाइट अगर ज्यादा आ रही है तो पीपल कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, होल छोटा हो जाएगा. लाइट कम आ रही है तो ये बढ़ जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा दिखाई पड़ेगा. नहीं, बात समझिए कि आपके आईज के अंदर जो विजुअल स्टिमुलाई आते हैं वो आपकी पीपल से होकर जाते हैं. यानी यही एक रास्ता है जिससे आपके आंखों के अंदर रोशनी जाती है, यानी कि इमेज के लिए विजुअल स्टिमुलाई जो एंटर कर रहे हैं वो स्टिमुलाई हमारे आयरिस से ही एंटर करते हैं. तो द डायमीटर ऑफ पीपल इज रेगुलेटेड बाय द मसल्स फाइबर ऑफ आयरिस. आईबॉल कंटेन्स अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस. अब आईबॉल क्या करती है, जो हमारी आईबॉल है, एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन प्रोटीन की बनी हुई एक बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लेंस कहते हैं. तो ये लेंस कोई कांच का नहीं बना है, क्रिस्टलाइन प्रोटीन से बना हुआ हमारा लेंस है. इट इज हेल्ड इन प्लेस बाय लिगामेंट अटैच्ड टू द सीलरी बॉडी. अभी देखा था आपने, जो हमारी कोरोइड लेयर थी, कोरोइड से सीलरी बॉडी बनी थी, आपको दिखाया था लास्ट डायग्राम पे. देखिए लेंस कहां जुड़ा है, कोरोइड के पास. अब कोरोइड के पास से जुड़ा है, उसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट. तो इस सस्पेंसरी लिगामेंट के कारण लेंस हमारा होल्ड है, बीच में सेंटर पे होल्ड है. वही पॉइंट लिखता है, इट इज हेल्ड इन प्लेस बाय लिगामेंट अटैच्ड टू द सीलरी बॉडी. सीलरी बॉडी से अटैच्ड है, ये एक लिगामेंट है जो लेंस को भी
एकोमोडेशन करता है, लेंस को थिन करेगा, लेंस को थिक करेगा, जिससे हम दूर और पास की चीजों को देख सकें। चलिए हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर आ गई और वो लेयर हमारी है रेटिना। रेटिना के बारे में कुछ खास बात, सबसे पहले कि इनर मोस्ट लेयर होती है, दूसरी ये लेयर हमारी न्यूरोसेंसरी लेयर होती है। रेटिना हमारी न्यूरो सेंसरी लेयर है। तो रेटिना हमारी न्यूरोसेंसरी लेयर है, यानी कि न्यूरो मतलब नर्वस सिस्टम से पाई जाएंगी चीजें, न्यूरॉन्स पाए जा रहे हैं। सेंसरी मतलब स्टिमुलाय को लेने का। अभी तक आपने देखा जो स्क्लेरा थी, जो कोरोइड थी, ये कोई सेंस नहीं ले रही थी, यानी इनका एक प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने उनके बारे में नहीं बताया आपको कि ये किसी चीज को देखने में हेल्प कर रहा है, नहीं, क्योंकि वहां पर न्यूरोसेंसरी लेयर नहीं थी, वहां पर न्यूरॉन्स नहीं है जो विजुअल स्टिमुलाय को ले सकते। ये पावर केवल रेटिना को दी गई है, रेटिना को। तो रेटिना एक न्यूरोसेंसरी लेयर है और रेटिना क्या करती है, रेटिना ही चीजों को आइडेंटिफाई करती है, जो इमेज बनती है वो रेटिना में बनती है। रेटिना इन चीजों को समझता है कि क्या कलर है और ये डिम लाइट पे देखने काबिल है या ब्राइट लाइट पे देखने काबिल है, ये सारी चीजों का जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान कौन दे रहा, रेटिना। इसलिए ये न्यूरोसेंसरी लेयर है। तो इनर लेयर है, दूसरी इट कंटेन्स थ्री लेयर्स ऑफ सेल्स फॉर्म इनर टू आउटर। जैसा कि मैंने बताया एक न्यूरोसेंसरी लेयर है, तो इसमें न्यूरॉन्स पाए जा रहे हैं। देखिए थ्री टाइप के न्यूरॉन्स आपको मिल रहे हैं, एक येलो से आप देख रहे हैं, फिर देखिए कुछ ब्लू से इधर पर्पल में आ जाएगी। तीन तरीके के हमारे पास यहाँ पर न्यूरोसेंसरी सेल्स लगी हुई है। तो जो पहली आपकी है उसको बोलते हैं गैंग्लियन सेल, यानी ये वाली आपकी है गैंग्लियन सेल, सब न्यूरॉन्स है। दूसरी आपकी आती है बाइपोलर सेल्स, ये सेकंड है बाइपोलर, एंड थर्ड आती है आपकी फोटोरिसेप्टर यानी रॉड एंड कोन सेल्स। थ्री डिफरेंट न्यूरॉन्स लगे हुए हैं। चलिए इसको समझते हैं अच्छे से। जैसे कि मैंने कहा हमारी रेटिना एक न्यूरोसेंसरी लेयर है, ठीक है। देखिए लाइट आपकी यहां जल रही है, लाइट ही पड़ी, ये लाइट पड़ी। सबसे पहली लेयर पड़ती है गैंग्लियन सेल्स, देखिए जो भी स्टिमुलाय आया इस गैंग्लियन पे गया, गैंग्लियन ने इसको ट्रांसफर कहां किया, बाइपोलर सेल्स को। बाइपोलर सेल्स का मतलब क्या है, ये न्यूरॉन होते हैं जिनमें टू पोल्स पाए जा रहे हैं, बीच में साइटोन है और दोनों तरफ एक्सॉन होते हैं, दो एक्सॉन होते हैं। तो जो स्टिमुलाय गैंग्लियोनिक सेल पे गया, गैंग्लियोनिक सेल से पहुंचा कहां पे, बाइपोलर सेल्स की तरफ। बाइपोल का मतलब दो एक्सॉन है, ऐसे समझ लीजिए। और बाइपोल से कहां निकला, पहुंच गया हमारा रॉड एंड कोन सेल्स, इसे फोटो रिसेप्टर कहते हैं। यही वो सेल्स की लेयर है जो ये हमें बताएगी कि इमेज डिम लाइट में है या ब्राइट लाइट में है और उसका कलर क्या है। इसका जो हमें ज्ञान मिलेगा, सेंस मिलेगा, वो होती है हमारी फोटो रिसेप्टर सेल्स। तो फोटोरिसेप्टर सेल्स में आपको टू टाइप की सेल्स मिलेंगी, पहली कोन सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, फर्स्ट इज कोन एंड सेकंड इज रॉड। कोन एंड रॉड के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें। तो आपकी जो फोटो रिसेप्टर लेयर थी, जो फोटो रिसेप्टर लेयर थी आपकी, ये फोटो रिसेप्टर लेयर में टू सेल्स थी, रॉड एंड कोन सेल्स। रॉड के अंदर पिगमेंट फिल होता है रोडोप्सिन, ध्यान से समझिए, कुछ पॉइंट आपको लिटरेचर देखिए, आर फॉर रॉड, आर फॉर रोडोप्सिन। कोन में होता है जो पिगमेंट होता है उसको बोलते हैं आयोडॉप्सिन, आयोडॉप्सिन, ओके। रोडोप्सिन जो होता है ये डिम लाइट में काम करता है, ये डिम लाइट में काम करेगा, यानी ये सेल्स तब सेल्स मतलब स्टिमुलाय को रिसीव करते हैं लाइट डिम होती है। तो डिम लाइट में अगर आप देख रहे हैं तो वो काम हमारी रॉड सेल का है। तो उसको ऐसे समझिए, आप रॉड कब जलाते हैं,
अंधेरा है ना, तभी लाइट जलाते हैं ना। तो भाई आप रॉड जला रहे हैं कब, डिम लाइट में। तो याद रखिएगा, डिम लाइट में अगर कोई हमें इमेज को दिखाने में हेल्प कर रहा है तो वो हमारी रॉड सेल्स होती है। पिगमेंट कौन सा है, रोडोप्सिन है। अगर कोन की बात करें तो कोन में रोडोप्सिन है, ये हमारे ये ब्राइट लाइट में काम करती हैं और इनका काम होता है कलर बताना। तो जो कलर के बारे में बताती वो हमारी कोन सेल्स होती हैं। अब दोनों में दुश्मनी भी है, अगर रॉड को ब्राइट लाइट मिल गई, ब्राइट लाइट, तो ये जो पिगमेंट है ये पिगमेंट ब्लीच हो जाता है, पिगमेंट की ब्लीचिंग हो जाती है, यानी रॉड सेल्स बेकार हो जाती है, उसके मौजूद जो पिगमेंट है वो काम करना बंद कर देती है। तो अगर आप धूप में निकले हैं, ब्राइट लाइट में निकले हैं, तो आपकी रॉड सेल्स ब्लीच कर देती हैं, ब्रेक डाउन आता है इस पिगमेंट का, जिससे ये पता चलता है कि अब आप कहां पर है, ब्राइट लाइट में है। तो आपकी कोन सेल्स काम करना चालू कर देती है। और कोन सेल्स के साथ क्या है कि जब डिम लाइट में जाएंगे आप, मून लाइट में, डिम लाइट में, तो आयोडॉप्सिन की ब्लीचिंग हो जाएगी, आयोडॉप्सिन की ब्लीचिंग हो जाएगी। आप किसी भी चीज का कलर नहीं देख पाएंगे, आपको बस ब्लैक एंड व्हाइट समझ में आएगा, आप देख नहीं पाएंगे। तो मून लाइट कभी देखेगा, मून लाइट में आप चीजों को केवल ब्लैक एंड व्हाइट समझ पाएंगे, किस कलर का क्या कपड़ा पहना है उसने, आप कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि आयोडॉप्सिन नहीं रहा उस जगह पे, क्योंकि डिम लाइट में ब्लीचिंग हो जाती है इसकी। क्लियर? तो याद रखिएगा कि जो खास हमारे पास फोटो रिसेप्टर है सेल्स, उसमें हमारी रॉड है, दूसरी हमारी कोन सेल्स है। रॉड सेल का फंक्शन डिम लाइट में चलेगा, पिगमेंट कौन सा, रोडोप्सिन है। कोन ब्राइट लाइट में कलर विजन कराती है हमको, और इनमें जो पिगमेंट है कौन सा है, आयोडॉप्सिन। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं फिर से। तो देखिए मैंने इस चीज को बयां कर दिया आपको, अब कुछ खास इंपॉर्टेंट करना सा बता दें आपको। आप देखेंगे सबसे पहली बात तो कोन सेल्स हमारे ह्यूमंस में कम पाई जाती है कंपैरिजन टू रॉड। और एक बात देखिए, अगर ह्यूमंस की बात कर ले हम, तो हम ह्यूमंस में रॉड कम होती है, कोन ज्यादा होती है, इसीलिए हम डिम लाइट में बहुत ब्राइट देख नहीं पाते। जबकि अगर ये उल्लू पे ले जाओ, जो आउल है, आउल में क्या है, वो क्यों रात को देख ले रहा है, बैट क्यों रात को देख ले रहा है, क्यों, क्योंकि उनके पास रॉड सेल्स बहुत है, रॉडी सेल्स है ही नहीं, कौन सेल्स है ही नहीं, रॉड सेल्स है। तो भैया रॉड सेल्स है तो डिम लाइट में बढ़िया जल रही ट्यूबलाइट आराम से देख रहे हैं। अब बात अगर ये ले लें, आप देख लें उसको, हेन को देख लीजिए, हेन को, तो मुर्गा सुबह उठ के भाग लगाता है, कुकड़ू करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि वो जो ऑर्गेनिज्म है उसके पास रॉड सेल्स नहीं है उसके पास, तो जैसे अंधेरा होता है वो दबक के बैठ जाता है, उसको दिखना बंद हो जाता है। अब सिंपल सी बात है यार, अभी तक बेचारा 7-8 घंटे 9 घंटे दबक के बैठा था, अब उसको दिन में दिखना चालू हुआ तो खुशी के मारे चिल्लाने लगता है, तो लोगों को लगता है कि नहीं मुर्गा कुकड़ू को बोल रहा है सूरज के निकलने पर, तो खुशी होती है उसकी सूरज के निकलने पर, क्यों, क्योंकि उसकी रॉड सेल्स तो थी नहीं, कौन सेल्स है बेचारे के पास, तो जैसा ही उजाला हुआ कौन सेल्स ने उसको कलर दिखाना चालू कर दिया और वो खुशी के मारे चिल्लाने लग गया। तो याद रखिए अगर इस चीज को, रॉड सेल्स अगर किसी के पास ज्यादा है तो वो डिम लाइट में देख लेगा, और अगर रॉड सेल है ही नहीं तो डिम लाइट में देख ही नहीं पाएगा। तो दो एग्जाम्पल अच्छे थे, जो हमारा हेन है, जो हमारा कॉक है, इसमें कौन सेल्स ही पाई जाती है, रॉड सेल्स नहीं पाई जाती, इसका मतलब कलरफुल पिक्चर देखते हैं। लेकिन जो हमारा आउल है और जो हमारे बैट है, इनमें सिर्फ रॉड सेल्स है, कौन सेल्स नहीं पाई जाती है, इसलिए दिन में निकलते हैं, दिन में आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, लटके रहेंगे आप रहेंगे। ठीक है, फिर भगवान की अपनी दया है जैसे जो बने। तो बात होती है कि तीन सेल्स के बारे में आपको बताया, गैंग्लियोनिक लेयर सेल्स की लेयर है, बाइपोलर सेल्स है, फोटो रिसेप्टर है। फिर आपसे कह रहा है फोटो रिसेप्टर सेल्स आर टू टाइप्स, दो टाइप के क्या है, रॉड्स हैं और कोन्स हैं, रॉड एंड कोन। दे कंटेन फोटो सेंसिटिव प्रोटीन्स, यानी फोटो पिगमेंट, जैसे मैंने एडॉप्शन बोला वो फोटो सेंसिटिव प्रोटीन्स होती है। फोटो पिगमेंट्स आर फॉर्मड ऑफ ऑप्सिन प्रोटीन एंड रेटिनल। देखिए फोटो पिगमेंट जो बन रहा है उसमें ऑप्सिन नाम की चीज होती है और क्या पाया था, रेटिनल, रेटिनल एंड एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का एल्डिहाइड है और विटामिन ए का केमिकल नाम भी रखा गया रेटिनॉल। तो इस रेटिनॉल
से रेटिना बनी हुई है। याद रखना, इसलिए लोगों को कहा जाता है कि अगर वाइटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाती है, वाइटामिन ए नहीं खाएंगे आप, तो आपकी आंखों की रोशनी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि वाइटामिन ए बनाता है हमारे फोटो पिगमेंट्स को। तो यहाँ भी लॉजिक है क्यों वाइटामिन ए की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वाइटामिन इज अ मेन पार्ट ऑफ रेटिनल पिगमेंट्स। अब कॉन्सर्स के बारे में आपको कुछ बता देते हैं। कॉन्सर्स आप भी जो होती है आप देख रहे हैं, फंक्शन क्या है इनका? डे लाइट यानी फोटो फोटोपिक होती है, विजन एंड कलर विजन। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्स कंटेनिंग फोटो पिगमेंट दैट रिस्पॉन्ड टू रेड ग्रीन एंड ब्लू लाइट। तीन लाइट के इनके पास सेंसेशन होता है, रेड ग्रीन एंड ब्लू लाइट। लेकिन तीन कलर को मिक्सअप करके वो आपको बताती जाती है कौन सा कलर है। तो द सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर आर प्रोड्यूस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कॉन्स एंड देयर फोटो पिगमेंट। थ्री टाइप की पिगमेंट्स वाली कॉन्स पाई जा रही हैं, याद रखना है, एक रेड है, ग्रीन है एंड ब्लू लाइट वाली, थ्री लाइट्स की है। ओके, आगे चलिए। रॉड सेल्स फंक्शन क्या है? ट्री लाइट यानी कि स्कोटोपिक होते हैं। तो देखिए दो तरीके का ऑर्गेनिज्म होता है, एक फोटोपिक एक स्कोटोपिक। दो पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बने यहाँ जाकर के, थोड़ा सा कंपटीटिव लेवल पर भी जाएंगे। तो एक तो हो गया आपका फोटोपिक जब कॉन सेल्स काम कर रहे हैं डे लाइट में, और जब डिम लाइट में काम हो रहा है तो स्कोटोपिक हो गया। स्कोटोपिक विजन दे कंटेन अ पर्पलिश रेड प्रोटीन कॉल्ड रोडोप्सिन, जैसा कि मैंने आपको बताया। इट कंटेन्स अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन। लेकिन यहाँ पर भी विटामिन ए का खेल है, तो भाई विटामिन खाते रहें, क्योंकि विटामिन ए आप खाएंगे तो आपकी रॉड एंड कोन हेल्दी रहेंगे, और जब रॉड एंड कोन हेल्दी रहेंगे तो आपकी आईज भी हेल्दी रहेंगी, रेटिना। एट द रीजन स्लाइटली अबव पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई बॉल, पोस्टीरियर पोल यानी कि बैक साइड की, इस पोल की बात करता है, इस पोल पे ऑप्टिक नर्व्स लीव द आई। क्योंकि देखिए रेटिना से सारी नर्व्स निकली रेटिना से, और सारे सेंसेशन इस पोस्टीरियर पार्ट से ब्रेन तक भेजा जाएगा, पोस्टीरियर पार्ट से ब्रेन तक भेजा जाएगा। तो देखिए दीवार हर जगह पे तो मजबूत थी, लेकिन बीच में क्या हो गया, यहाँ पर दीवार टूट गई है। यहाँ पर जब दीवारें टूट गई हैं, यानी कि वहां पर न्यूरल सेल्स नहीं है, वहां पर रेटिना लेयर क्या है, एब्सेंट है। और जब रेटिना लेयर जगह पे एब्सेंट है, तो इसी को हमने बोला ब्लाइंड स्पॉट या स्कोटोमा, ब्लाइंड स्पॉट या स्कोटोमा। कहां पर है? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द आई, फ्रॉम वेयर द विजिबल स्टिमुलाई, वेयर द ऑप्टिक नर्व्स रिलीज फ्रॉम द आई एंड रीचेस द ब्रेन। तो ये जो पार्ट है जहां से ब्रेक हो रही है हमारी, उस जगह हमारी ऑप्टिक नर्व निकलती है और हमारे ब्रेन तक जाती है, वो हमारा ब्लाइंड स्पॉट होता है। ओके, हेयर फोटोरिसेप्टर सेल्स आर एब्सेंट, इट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। अब आ जाइए रेटिना पे, एक खास पॉइंट है। जब रेटिना पे देखा जाता है तो रेटिना पे एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर आपकी कॉन सेल्स और रॉड सेल्स बहुत पाई जाती है, कॉन एंड रॉड सेल्स। उस जगह को हम बोलते हैं क्या, येलो स्पॉट। लैटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट देयर इज अ येलोइश पिगमेंट। देखिए ये येलोइश पिगमेंट आपको दिख रहा है, ये येलोइश पिगमेंट है। इस येलोइश पिगमेंट को स्पॉट को कहा जाता है मैकुला लुटिया या येलो स्पॉट। ये जो आप देख रहे हैं ये है येलो स्पॉट, येलोइश स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, येलो पिगमेंट से बना है। एंड विद अ सेंट्रल पिट, सेंट्रल पिट मतलब सेंट्रल पिट, छोटा सा होल होता है, हल्का सा पिट होती है, उसको हम बोलते हैं क्या, फोविया सेंट्रलिस। दो बड़े भयंकर नाम है, मैकुला लुटिया येलो स्पॉट का दूसरा नाम है, और वहां पर एक पिट पाई जाती है, हल्के सा होल पाया जाएगा, होल का मतलब क्या, पिट गड्ढा, और उसे हम बोलते हैं क्या, फोविया सेंट्रलिस। द फोविया इज अ थिनड आउट पोर्शन ऑफ द रेटिना वेयर ओनली द कॉन्स आर डेंसली पैक्ड, जहां पे कॉन्स बहुत ज्यादा पाई जाती है। It is the point of greatest visible activity, यानी resolution ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है तो भाई सिंपल सी बात है, bright light पर बढ़िया काम करेंगे, अच्छा सा color दिलाएंगे, इसलिए उसको हमने yellow spots के पास रखा है। And अब chambers की बात करें, हमारे eye के अंदर देखिए दो chamber मिलते हैं आपको, एक chamber आपको मिलेगा ये yellow वाला देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं vitreous humor, और एक हमारा chamber है जो lens और cornea के बीच में, ये वाला part,
इसको बोलते हैं एक्वस चैम्बर है और अंदर जो फ्लूइड फिल है उसे एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। विट्रस चैम्बर है, इसमें जो फ्लूइड फिल है उसको विट्रस ह्यूमर कहते हैं। फंक्शन क्या होता है, विट्रस में टर्बिडिटी बनाए रखता है, यानी आपकी आई के लेयर्स को अपनी पोजीशन पे रखता है, आई में टर्बिडिटी स्टिफनेस रखता है जिससे आपके आगे पिचके नहीं, बढ़िया सी अपनी शेप में मेंटेन रहे। ओके, द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना इज कॉल्ड विट्रस चैम्बर, इट कंटेन्स विट्रस ह्यूमर अ ट्रांसपेरेंट जेल। तो जो आपका एक्वस होता है ये वाटरी होता है, पानी जैसा होता है, और जो आपका विट्रस है ये कैसा है, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्रांसपेरेंट जेल जैसा होता है। आगे चलते हैं, अब विजन के मैकेनिज्म की बात करें, सारी लेयर्स के बारे में हमने अच्छे से जान लिया कि क्या है स्क्लेरा, क्या है कोरोइड, उससे जुड़े हुए स्ट्रक्चर क्या है रेटिना, और उस रेटिना को न्यूरोसेंसरी क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वहां पे न्यूरॉन्स पाए जा रहे हैं, वहां पे रॉड एंड बोन्स पाए जा रहे हैं। ओके गाइस, अब आगे चलते हैं मैकेनिज्म की बात करते हैं। सबसे पहली बात कि जो हमारा ऑब्जेक्ट की जो लाइट रेज है वो हमारे, देखिए सबसे पहले पिपल से गुजरता हुआ पहुंचा कहां पर, रेटिना पे। तो एक रिफ्लेक्शन तो लेंस करता है पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को, अगर ए बी है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ए बी है तो ये लेंस उसको कन्वर्ट करके बी ए में कन्वर्ट, यानी लेंस से जब निकलता है तो उसका हो जाता है बी एंड ए, थोड़ा सा जाता है 180 डिग्री पे बेंड हो जाता है। लेकिन जैसे रेटिना पे पड़ता है, रेटिना पे पूरा 360 डिग्री पे बेंड हो जाता है, यानी पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट उल्टा बन जाता है रेटिना पे, यानी हमारी आंखें जो देख रही हैं, यानी रेटिना तक जो लाइट जा रही है वो आपको उल्टा जा रहा है, यानी हम अगर आपको देख, आप देख रहे हैं मेरे को तो आपकी रेटिना पे हम उल्टे खड़े, लेकिन ब्रेन इसको क्या करता है, सीधा करता है, यही ब्रेन का काम है, ब्रेन उसको सीधा करता है। तो याद रखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट का है, जो लाइट रेज है वो हमारे रेटिना पे जाकर के 360 डिग्री पे बेंड करता है। तो फर्स्ट लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट देन एंटर्स द आई थ्रू द कॉर्निया एंड लेंस फोकस ऑन रेटिना, दिस एसोसिएशन ऑफ रेटिनल फ्रॉम ऑप्सिन एंड चेंजेस इन मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। जैसे ही ऑप्शन पहुंचा स्टिमुलाय से परमेबिलिटी चेंज हुई, और जब परमेबिलिटी चेंज होती है तो जनरेट होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इंपल्स जिसे कहते हैं इन फोटो रिसेप्टर सेल्स। आप इंपल्स के बारे में अच्छे से जान चुके हैं, मैंने आपको बताया था पीछे डार्क साइड पे पॉजिटिव नेगेटिव का खेल होता है, सोडियम पोटेशियम का खेल होता है। तो जनरेट्स पोटेंशियल डिफरेंसेस इंपल्स इन फोटो रिसेप्टर सेल्स रॉड एंड कोन्स, generates action potential in ganglion cells through the bipolar cells, and our impulse are transmitted by optic nerves to the brain visual cortex. Impulses are analyzed and the image is recognized based on the memory and experience. Then आपको vision मिल जाता है, आपको अच्छे से देख लिया जाता है। तो ये एक mechanism है अच्छी खासी हमारी, और इस mechanism को आपने अच्छे से समझा तो याद रखिएगा आई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आगे जाकर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको इसके लिए रेटिनॉल यानी विटामिन ए को खाते रहना है जिससे आपकी आंखें मजबूत रहें। तो गाइस यहां पर आज अपना लेक्चर खत्म करते हैं सेंस ऑर्गन, वो भी ह्यूमन आई पे। नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे, लेकिन आपको हमारे चैनल आईटी एकेडमी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ओके गाइस, तो मुलाकात करते हैं, चलिए तब तक के लिए बाय बाय।